तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ नमस्कार्प्ट पर ट्यूब का क्या काम होता है और ट्यूब को कैसे यूज किया जाता है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और इसी तरह का कंटेंट आगे भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं राइट साइड पर आपको कुछ टूल्स दिखेंगे, और मैं यहाँ पर नीचे चलता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूब का ऑप्शन है। जैसे ही ट्यूब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में ट्यूब को कैसे यूज करना है, ट्यूब को और भी कुछ सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दो तरह की ट्यूब को हम ड्रॉ कर सकते हैं। देख सकते हैं पहला जो है कर्व और दूसरा जो है पथ। तो सबसे पहले हम कर्व को यूज करके देखेंगे। कर्व जो होता है ये फ्रीली आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैं कर्व के ऊपर अब क्लिक करूंगा और उसके बाद अपने उंगलियों से स्क्रीन के ऊपर ऐसे ड्रैग करूंगा। तो देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली आ गया है उसका जो बॉडी। उसके बाद अगर आपको उसका रेडियस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ येलो कलर का एक डॉट दिख रहा होगा। इस डॉट से आप उसका जो रेडियस है उस रेडियस को आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं पथ की तरफ। ये जो पथ होता है, पहले हम पथ के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये डॉट टू डॉट ड्रॉ होना चालू हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं पहला डॉट मैंने पहला क्लिक किया तो पहला डॉट आ गया, तो उसके बाद दूसरा वाला डॉट आ गया। जहाँ जहाँ आप क्लिक करोगे अपनी उंगली से वहाँ वहाँ एक डॉट आपको नज़र आएगा। उसके बाद आपको ग्रीन कलर का जो डॉट दिख रहा है उसका ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं ये क्यूब में बदल गया है। अगर आप उसका जो पहला वाला डॉट और आखिरी वाला डॉट को मिलाना चाहते हैं तो नीचे एक क्लोज का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो उससे पहला वाला डॉट और आखिरी वाला डॉट को आपको मिलाना है तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ नीचे एक क्लोज का ऑप्शन दिया गया है। इस क्लोज का ऊपर क्लिक करने से वो जॉइन हो जाएंगे और फिर से क्लिक करने से वो बिखर जाएंगे। उसके बाद अगर आपको इस क्यूब को और भी स्मूथ बनाना है तो यहाँ पे एक स्प्लाइन का एक ऑप्शन दिया गया है। स्प्लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एकदम से स्मूथ हो जाएगा कुछ इस तरह से। देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये स्मूथ हो जाएगा, ट्यूब एकदम बड़ा हो जाता है। तो उसका प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए आपको यहाँ से एक देख सकते हैं रेडियस मिलेगा। ये जो रेडियस है इस रेडियस पे क्लिक करने के दो ऑप्शन आएंगे आपको। देख सकते हैं ये जो येलो कलर का डॉट दिख रहा है, आप यहाँ से एक तरफ की बड़ा वाला और दूसरा तरफ को छोटा कर सकते हैं। अगर आपको बीच में भी रेडियस को ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर से क्लिक करेंगे इस रेडियस के ऊपर। देख सकते हैं यहाँ पे तीन डॉट आ जाएगा। उसके बाद आप जहाँ चाहे वहाँ अपने रेडियस को मैनेज कर सकते हो। जहाँ जहाँ भी ये डॉट होगा वहाँ वहाँ पे आपको रेडियस कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद इस क्यूब को ऊपर और भी कुछ आप करना चाहते हैं, जैसे कि मास्क लगाना चाहते हैं या मूव टूल का यूज करना चाहते हैं तो सिंपल से उसे आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वैलिडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से राइट साइड में आपका टूल दिख जाएंगे। उसके बाद आप उन टूल्स के मदद से उसे अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। क्यूब के अंदर हल चाहिए तो सिंपल सी उसको ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक होल का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करने से आपका क्यूब में होल आ जाएगा। देख सकते हैं आपका क्यूब पर होल आ चुका है। अब आप उसे उस होल को भी यहाँ ये जो ब्लू कलर का डॉट है इस होल को भी इस ब्लू कलर डॉट से आप मैनेज कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर
नमस्कप की नए एक टूल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।